नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 27 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना के 90 निजी अस्पतालों में कोविड 19 मरीजों का होगा इलाज। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। बिहार के 15 जिलों में जल्द ही लगाया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट। बिहार के पंचायतों में अब इन लोगों को मिलेगा दक्षता प्रमाण पत्र। आज आसमान में नजर आ सकता है सुपर पिंक मून। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अंबेडकर विश्वविद्यालय में कई पदों पर निकाली गई रिक्तियां। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। AUD भर्ती 2021 के नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 54 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें विभिन्न विषयों के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेक्शन ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट, केयर टेकर, जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आदि के पद शामिल है। इन पदों पर आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी AUD की वेबसाइट AUD.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन की अंतिम तारीख 1 मई 2021 है। कोविड 19 के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन कोविड 19 के बढ़ते मामलों के बीच हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि कोविड 19 के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और सलाहकारों की माने तो आने वाला समय और ज्यादा भारी होने वाला है। इसलिए हर एक पहलू पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और परिस्थिति के अनुसार कदम उठाए जाने की भी दरकार है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे राज्यों में गए पुलिसकर्मियों को भी वापस बुलाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष चिकित्सक, यूनानी चिकित्सक और दंत चिकित्सा सेवानिवृत्त चिकित्सकों को भी मदद कोविड 19 से निपटने के लिए लेने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन की कमी दूर करने का आदेश भी जारी किया है। बिहार के 15 जिलों में जल्द ही लगाया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट। बिहार में कोविड 19 की दूसरी लहर की जब से शुरुआत हुई है तब से अस्पतालों में बेड की कमी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन के लिए भी मरीज दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। हालांकि ऑक्सीजन की कमी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ाया है, जिसके तहत ही केंद्र सरकार ने बिहार के 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश जारी किया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से जारी एक सूचना के मुताबिक बिहार के बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना, सहरसा, पूर्णिया और वैशाली जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। बिहार में बढ़ रहे मामलों को देखकर पुलिस मुख्यालय हुआ सख्त। बिहार में कोविड 19 की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण अस्पताल पर भी काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया है। हालांकि अब कोविड 19 के बढ़ रहे मामलों के बीच पुलिस मुख्यालय भी सख्त नजर आ रहा है, जिसके तहत ही पुलिस मुख्यालय ने अहम निर्देश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय के तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक शादी विवाह या श्राद्ध कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के निर्धारित संख्या के बारे में आयोजकों को पूरी जानकारी देना आवश्यक होगा। आयोजन स्थल पर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन करना होगा। जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार की चेतावनी के बावजूद पुआल जलाने से बाज नहीं आ रहे किसान। बिहार में एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी परेशानी अपने द्वार खोले खड़ी हो जाती है। कोविड 19 की लहर से सरकार तो परेशान है ही, अब वायु प्रदूषण की समस्या भी लगातार सरकार के सामने देखने को मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण बिहार में किसानों की तरफ से बार बार मना करने के बावजूद पुआल जलाना है। सरकार अपनी तरफ से लगातार किसानों को मना कर रही है, लेकिन किसान अपनी हरकत से बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद पुआल को खेत में ही जलाने वाले किसान को सरकार की सुविधाओं से वंचित करने का अभियान एक बार फिर चलेगा। कृषि निदेशक ने सभी जिलों के DM को कहा है कि वो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर अंतर विभागीय बैठक कर जिम्मेदारी बांट दे। DM को बैठक की रिपोर्ट कृषि निदेशक को भेजने का आदेश दिया गया है। पटना के 90 निजी अस्पतालों में कोविड 19 मरीजों का होगा इलाज। कोविड 19 मरीजों की संख्या बिहार में लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इसी बीच राजधानी पटना के 90 निजी अस्पतालों में कोविड 19 मरीजों के इलाज की व्यवस्था शुरू होने का ऐलान जारी किया गया है, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की है। DM ने कहा कि इन चिन्हित अस्पतालों के अलावा किसी अन्य निजी अस्पताल में बिना पूर्व अनुमति के कोरोना मरीजों का इलाज करना प्रतिबंधित है, क्योंकि उनकी निगरानी एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। निजी अस्पतालों में भी निर्धारित बेड की संख्या वृद्धि बिना अनुमति के नहीं की जा सकती है। कोविड 19 की परिस्थिति को देखने के लिए सड़क पर उतरे मुख्यमंत्री नीतीश। कोविड 19 की लगातार खराब हो रही हालत का जायजा लेने के लिए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सड़क पर उतरे, जिसके तहत तत्काल राजधानी पटना में हालात का जायजा लिया। CM का काफिला राजधानी पटना की सड़कों पर देखने को मिला। आपको बता दें, यहां पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह में कोविड 19 से बिगड़ी स्थिति का आकलन करने के लिए हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी। वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के सरकारी और निजी अस्पतालों का निरीक्षण करने भी पहुंचे।
बिहार में उत्पादन विपणन नीति पर लगातार जारी है काम। बिहार में उत्पादन विपणन नीति को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके तहत कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार ने शहद के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की जो योजना बनाई है उसकी नीति बनने की कगार पर है। इसको लेकर कुछ महीने पहले सहकारिता विभाग के उच्चाधिकारियों ने देश के विभिन्न संस्थाओं और विशेषज्ञों के साथ इस पर मंथन किया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा मधु उत्पादक राज्य होने के बाद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहा है। यहाँ का शहद अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर फेल हो रहा है। बिहार में जल्द ही दूर होगी डॉक्टरों की किल्लत। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने पिछले साल के अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसके बाद बिहार सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। वहीं कोरोना के माहौल में चिकित्सकों की भारी कमी को देखते हुए अब सरकार ने डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने के लिए राज्य में अब अस्थायी नियुक्ति करने का फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि प्रत्येक प्रखंड में एक डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। इस हिसाब से कुल 534 अस्थायी डॉक्टर तीन महीने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही कुल 865 नर्सों की बहाली भी की। तारकिशोर प्रसाद ने राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार में कोविड-19 की लगातार खराब हो रही अवस्था को देखते हुए बिहटा स्थित ईएसआई अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सैन्य बल चिकित्सा सेवा से डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि पिछले साल कोरोना के पहले चरण में पीएम केयर फंड से बिहटा के ईएसआई अस्पताल में रक्षा मंत्रालय द्वारा 500 बेड पर संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई थी। उपमुख्यमंत्री ने अनुरोध करते हुए कहा कि दूसरे चरण में कोरोना संक्रमण की तेज गति के कारण इस अस्पताल को उसी क्षमता के अनुसार फिर से शुरू किया जाना समय की मांग है। बिहार में अब नए नियमों के आधार पर बांटे जाएंगे राशन। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने जनवितरण प्रणाली की राशन दुकानों से अनाज बांटने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब दुकानों में पॉश मशीन पर लाभुकों से अंगूठे के निशान नहीं लिए जाएंगे, बल्कि उनके आंख स्कैन कर अनाज दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी 38 जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके लिए पीडीएस दुकानदार लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसको लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी 38 जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद ही अब हर लाभुक को अनाज योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। बिहार के पंचायतों में अब इन लोगों को मिलेगा दक्षता प्रमाण पत्र। कोविड-19 की दूसरी लहर में प्रवासियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि अब प्रवासियों को लेकर के खास तैयारी भी की जा रही है, जिसके तहत ही दूसरे प्रदेश से बिहार लौट रहे पेशेवर लोगों की पहचान कर उन्हें दक्षता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए श्रम संसाधन मंत्री सभी जिलों के श्रम अधीक्षकों के साथ अगले सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। बिना पहचान के छोटे छोटे पेशे में कार्यरत कारीगरों को प्रशिक्षण देकर दक्षता प्रमाण पत्र देने का काम जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके बाद अब जिन लोगों को दक्षता प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसमें राजमिस्त्री, पेंटर, लोहार, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, नाई, वेल्डर, प्लंबर, मूर्तिकार, बुनकर, सिलाई कटाई करने वाले कारीगरों का नाम शामिल है। बिहार के लाल ने अफ्रीका की चोटी पर फहराया तिरंगा। बिहार के लाल ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। बिहार के नालंदा जिला के बिहार शरीफ प्रखंड के परोहा गांव निवासी 23 वर्षीय अभिषेक रंजन ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किली मंजारों पर तिरंगा लहराने का कारनामा कर दिखाया है। मेरी जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल को उन्होंने इस चोटी की फतह के लिए चढ़ाई शुरू की थी। 3 दिनों बाद 22 अप्रैल को चोटी पर तिरंगा लहराया गया। वहीं स्टेलो पॉइंट पर जमुई निवासी पर्वता रोही निशु सिंह के साथ उन्होंने 151 फीट का तिरंगा लहराकर एक मिसाल कायम की है। अभिषेक रंजन ने हाल ही में अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि चोटी की चढ़ाई करना उनका बचपन से शौक रहा है। वहीं अभिषेक इस नई उपलब्धि पर परिवार वालों के बीच में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिहार में वेटलैंड अथॉरिटी बनाने की कवायद हुई शुरू। तालाबों की सेहत को सुधारने के लिए सेंटर फॉर एनवायरमेंट, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत ही सरकार ने बिहार के 12 जिलों में वेटलैंड अथॉरिटी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत एक हेल्थ कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है। जानकारों की माने तो ये वैसा ही कार्ड होगा जैसा किसी व्यक्ति का या सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं। इसमें तालाबों के पानी की सेहत से लेकर के उसके प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरणीय संतुलन में उसकी क्षमता का भी आकलन किया जाएगा। हेल्थ कार्ड बनाए जाने के बाद तालाबों की दशा दिशा सुधारने की कवायद की जाएगी।
आज आसमान में नजर आ सकता है सुपर पिंक मून। आज हनुमान जयंती है, वहीं आज हनुमान जयंती के मौके पर आसमान का नजारा कुछ अलग अलग सा नजर आने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों की माने तो हनुमान जयंती की रात पूर्णिमा को निकलने वाला चंद्रमा सुपर पिंक मून कहलाएगा। मंगलवार को शाम लगभग 7:09 पर पूर्व दिशा में जब चंद्रमा के नजर आने की संभावना जताई गई है, वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार यह खगोलीय घटना सुपर मून कहलाती है। यह इस साल पहला सुपर मून होगा। 99.7% चमक के साथ चमकने वाले इस मून को यूएसए में बसंत ऋतु के आरंभ होने में खिलने वाले गुलाबी फूलों के आधार पर पिंक मून का नाम दिया गया है। इस दौरान चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,58,113 किलोमीटर होगी। विधानसभा सचिवालय में आज से शुरू होगा कंट्रोल रूम। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विधानसभा सचिवालय में आज से कंट्रोल रूम की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पहले ही अपना बयान जारी कर दिया था, जिसके बाद ही आज से कंट्रोल रूम का संचालन सुचारू रूप से होने वाला है, जिसके बाद यह कंट्रोल रूम बिहार विधानसभा के सदस्यों, पूर्व सदस्यों, सभा सचिवालय में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों के परिवारजनों के संबंध कोरोना से संभावित प्राप्त कॉल के आधार पर राज्य के सभी जिला के जिलाधिकारी एवं वहां के कंट्रोल रूम तथा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय स्थापित कर उन्हें आवश्यक सुविधा मुहैया कराने की पहल करेगा। अब जमा ईपीएफओ में से निकाल सकेंगे 75% राशि। कोरोना के माहौल में सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वेतनभोगी वर्ग को पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा में छूट दी है, जिसके बाद अब कर्मचारी भविष्य निधि खाते वाले कर्मचारी पैसा निकाल सकते हैं या मेडिकल ग्राउंड पर लोन ले सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी या उसके माता पिता, पति या फिर पत्नी या बच्चे कोरोना के कारण बीमार पड़ गए हैं तो सदस्य राशि निकाल सकते हैं, जिससे कि अब आप पीएफ खाते में मौजूदा बैलेंस की 75% राशि तक या वेतन के 3 महीने के बराबर जो भी कम हो रकम आप निकाल सकते हैं। ज्ञात हो ईपीएफओ ने इसके लिए ईपीएफ स्कीम 1952 में बदलाव करते हुए यह आदेश जारी किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का 14,000 डोज पहुंचा पटना। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जिसके तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन के 14,000 डोज को बीते दिन राजधानी पटना पहुंचा दिया गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि अहमदाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन को विशेष विमान से पटना पहुंचा दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए सभी जगहों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का दावा किया है। उन्होंने आगे कहा कि जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति और जीवन रक्षक दवाइयां मुहैया कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग हर दिशा में काम कर रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। मुगल साम्राज्य का शासक बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान को आज ही के दिन पराजित कर नया बादशाह के रूप में पदभार संभाला था। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता के लिए 1878 में पहली मंजूरी दी थी। UIDAI ने 2010 में भारत के नागरिकों की पहचान का एक बड़ा सबूत बनने जा रहे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अब नया ब्रांड नाम आधार तथा नया लोगो पेश किया था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मनी भाई साई का 1920 में जन्म आज के दिन हुआ था। 2009 में हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता फिरोज खान ने दुनिया को आज के दिन अलविदा कह दिया था। कोविड-19 के कारण पिछले 24 घंटे में कई खिलाड़ियों ने छोड़ा आईपीएल। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच आईपीएल 2021 खेला जा रहा है। हालांकि कोविड-19 को लेकर खिलाड़ियों के बीच भी लगातार डर देखने को मिल रहा है। इसके चलते पिछले 24 घंटे में 4 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। इसमें भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के केन रिचर्डसन, एडम जैम्पा और एंड्रयू टाई का नाम शामिल है। हालांकि जानकारों की माने तो कुछ और खिलाड़ी भी ऐसा कर सकते हैं। इन सबके बीच बीसीसीआई ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत बीसीसीआई ने कहा है कि खेल जारी रहेगा। स्टेटस की तरह अब व्हाट्सएप से गायब हो जाएगा आपका मैसेज। व्हाट्सएप अपने यूजर के लिए समय समय पर नए फीचर को रोल करता रहता है। इसी क्रम में जल्द ही व्हाट्सएप स्टेटस की तरह व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले मैसेज भी 24 घंटे बाद खुद ब खुद गायब हुआ करेंगे। दरअसल पिछले साल कंपनी ने टेलीग्राम की तर्ज पर डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर जारी किया था। फिलहाल इस फीचर में 7 दिन की समय सीमा है। हालांकि अब इस फीचर में बदलाव होने वाला है। ताजा रिपोर्ट की माने तो नए वर्जन में व्हाट्सएप 24 घंटे का ऑप्शन भी जोड़ने जा रही है। WABTIMEINFO की माने तो व्हाट्सएप में iOS वर्जन में नए फीचर की टेस्टिंग की जा रही है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,940 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,940 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 92.53 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 86.53 रुपए प्रति लीटर था।
यूजर के भद्दे कमेंट पर एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने लगाई फटकार। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। तापसी इंटरनेट पर मौजूद ट्रोल्स को भी मुंहतोड़ जवाब देती दिखाई जाती है। हाल ही में तापसी कुछ ऐसे ही कारणों से सुर्खियों में आ गई है। तापसी पन्नू इन दिनों अपने ट्विटर अकाउंट पर कोविड-19 केसेस को लेकर कई पोस्ट करती नजर आ रही है, जिसके बाद एक यूजर ने आपत्तिजनक कमेंट करते हुए उनसे अपनी लग्जरी कार मदद के लिए दे देने को कहा। तापसी ने जवाब देते हुए लिखा, क्या तुम चुप हो सकते हो? बिल्कुल चुप। अगर तुम्हें ऐसे वक्त में यही सब बोलना है तो सब्र कर लो, इस देश को वापस सांस लेने दो और फिर अपनी बकवास जारी रखना। तब तक के लिए मेरी टाइमलाइन को अपनी बकवास बातों से मत भरो और मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो। बिहार में कोविड-19 के मिले 11,000 से ज्यादा मामले। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 11,801 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 89,660 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 100, अरवल में 116, औरंगाबाद में 550, बांका में 78, बेगूसराय में 549, भागलपुर में 379, भोजपुर में 170, बक्सर में 154, दरभंगा में 85, ईस्ट चंपारण में 220, गया में 655, गोपालगंज में 500, जमुई में 96, जहानाबाद में 365, कैमूर में 78, कटिहार में 102, खगड़िया में 231, किशनगंज में 59, लखीसराय में 105, मधेपुरा में 139, मधुबनी में 115, मुंगेर में 263, मुजफ्फरपुर में 337, नालंदा में 306, पटना में 2720, पूर्णिया में 384, रोहतास में 201, सहरसा में 433, समस्तीपुर में 264, सारण में 568, शेखपुरा में 35, शिवहर में 25, सीतामढ़ी में 111, सिवान में 181, सुपौल में 274, वैशाली में 224, वेस्ट चंपारण में 460 मामले सामने आए। इसके साथ ही 44 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो कि दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनका सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किया गया है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे की बात करें तो कुल मिलाकर के 9,228 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,23,514 पर पहुंच गई है। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण कई जोड़ी ट्रेनें हुई स्थगित। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद से ही सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में 23 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण स्थगित कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि यात्रियों की संख्या में निरंतर कमी और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में चलाई जा रही 23 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द किया जा रहा है। 23 अप्रैल से लेकर के अगले आदेश तक के लिए ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनिल कुमार, हिना खान, प्रभात कुमार, राजा कुमार, खुशी कुमारी, विवेक चौधरी, धर्मेंद्र कुमार, सूरज कुमार, यशी सिंह, राहुल कुमार, रूबी कुमारी, सबा करीम, विनीता सिंह, अविनाश कुमार, रीना पासवान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी इलाज शुरू करवाने से मरीजों को राहत मिलेगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।